ये देखो सृष्टि का सच। गुड जॉब नवेली, अब इस सच्चाई को माँ तक कैसे पहुँचाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सृष्टि तुम कितने सच्चे इंसान हो, सो ऑनेस्ट सो प्योर। झूठ धोखा विश्वासघात ये सब तो तुम्हें आता ही नहीं। आपने अब तक माँ से बात नहीं की? मुझे पता है माँ से कल बात करनी है, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। थैंक गॉड अंगद ने कुछ नहीं देखा। तुमने मुझे तब रोक क्यों लिया? हम अभी सृष्टि का सच सबको बता देते ना, उसका किस्सा ही खत्म हो जाता और वो मुसीबत से हमारा पीछा छूट जाता। ओह वाइफ यू आर सो क्यूट, मेरी भोली भाली सी बीवी। जिस बात को तुम आसान समझ रही हो ना, वो बात इतना आसान है नहीं, क्योंकि माँ और अंगद को सृष्टि पर बहुत भरोसा है और ये भरोसा तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और अगर ये गेम हमने सही तरीके से नहीं खेला तो इस गेम का कोई मतलब नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ को ये बात जितने देर से पता चलेगी सृष्टि का उतना ही बड़ा नुकसान होगा और हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि माँ को लगेगा कि इतना सब कुछ हो गया और उनकी फेवरेट होने वाली बहू ने उन्हें कुछ नहीं बताया और सृष्टि भी इस मौके को संभाल नहीं पाएगी। सृष्टि पर अटैक होगा और सृष्टि आउट। एंड माँ किसी भी कीमत पे अपने बेटे के लिए सेकंड हैंड बहू तो बिल्कुल नहीं लाएगी। एग्जैक्टली तो ना, ये जो राज है ना, ये राज मेरे लिए एक लाइफ गार्ड है। जब तक ये राज सबके लिए राज है तब तक सृष्टि हमें डुबा नहीं सकती। उस औरत ने हमारा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया, एक ही झटके में पूरा गेम ही बदल दिया। हेलो, हाँ बोलो, अब क्या काम है तुम्हें? हमने पूछने के लिए फोन किया था कि आपने सृष्टि का सच सबके सामने बताया कि नहीं। उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुमने मुझे बता दिया ना, अब मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना। अरे क्या करने का क्या मतलब है? सृष्टि का भांडा सबके सामने फोड़ना है और शादी तोड़नी है बस। ठीक है मैं कर दूंगी, एनीथिंग एल्स? ये क्या बोल रही हो तुम? हम इतनी मेहनत की है, उसके ऊपर पानी फेर दोगी का? और उस सबूत रख के उनसे अंडा दिलवाओगी? लिसन, थोड़ा इंतजार करना सीखो, सही टाइम आने पर सब हो जाएगा। तो कब आएगा वो सही समय, कब हो जाएगी सारी बात सही, बताइए मुझे। हम तो सोचे थे अभी तक उसकी शादी टूट चुकी होगी। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो ये शादी तोड़वाने के लिए? हाँ हमें कहा है, हम कहा उतावले हो रहे हैं? हम तो आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। एक बात समझ लियो, सृष्टि है ना, वो तबाही का दूसरा नाम है। जहाँ कदम रखती है मैयत छा जाती है। अब अगर आपको अपने घर में मैयत नहीं देखनी है ना, तो फटाफट उसकी शादी तोड़ दो बस। ठीक है मैं बता दूंगी, ओके? तुम्हें ना मेरे लिए इतने फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? हे तैया, जिसे हम धमाके वाला बम समझ रहे थे उसकी बम ना निकल जाए और ये सृष्टि फिर से बच ना जाए बस। अंगद, ये प्रोजेक्ट ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर देखना ये बहुत सक्सेसफुल होगा। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सार्थक, मुझे भी बहुत उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से। ये हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल रेडी की है, एक बार चेक कर लो, अगर कुछ चेंजेस हैं तो हमें बता दो। ओके।
अंगद तुम फाइल रीड करो, हम वॉशरूम होकर आते। सृष्टि दीदी ने पूरा कर दिया, उन्होंने मेरे पापा को एक दुकान खुलवा के दिए और मेरा स्कूल में दाखिला भी करवाया। हमारी स्कूल की फीस और बुक्स का खर्चा सृष्टि दीदी देती है। हाय। हाय। हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया है, एक अर्जेंट कॉल करना था। इफ यू डोंट माइंड कैन आई? या श्योर। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म करके पहुंचते हैं। थैंक यू। अंगद परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? नहीं तो कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ये प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। सॉरी अंगद, लेकिन सृष्टि को वापस पाने का एक यही तरीका है हमारे पास। तुम्हारे मन में ये शक पैदा करना कि सृष्टि अब भी हमें चाहती है।
अरे कल्याणी, इस सृष्टि का तो हमको चिंता नहीं, उनका शादी तो टूट ही जाएगा। चिंता तो हमको हमारे बिधवा की है। मम्मी आप बिल्कुल ही चिंता मत करो। अरे हम है ना, हम अब उस काम पे लग जाएंगे, देखना। अबे चाय तैयार है, अब बैठिए हम लाते हैं। पापा ये क्या है? इस सिस्टर की शादी का कार्ड है का? दिखाइए तो हमें। कल्याणी ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। अरे कह रही है तो दिखा दीजिए ना, का हर्जा है उसमें? हाँ तुम दोनों अगर सचमुच हमारी बेटी से प्यार करते होते ना तो हम जरूर दिखा देते। अब क्या है कि किसी की गलत नजरों को अपनी बेटी की खुशियों पर तो नहीं पड़ने दे सकते ना। हमारी बेटी भगवान, हमारी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस बार उसकी खुशियों को किसी की नजर मत लगने दीजिएगा। ये कार्ड में आग कैसे लग गई? ये का हुई कमा? कार्ड कैसे चल गया? भगवान जी कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। पता नहीं ये क्या हो गया। अरे शादी का कार चलना तो बहुत ही बड़ा सुकून होता है। मुझे सृष्टि से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले में, अभी नहीं। अंगद, are you okay? Yeah, absolutely. क्यों? अंगद, आप बिजी हैं क्या? नहीं, फ्री हूँ। वो एक्चुअली शादी के कार्ड आ गए हैं। आप भी देख लीजिए एक बार। वाओ, कैसा है? वेरी नाइस। चलो एक काम तो खत्म हुआ। डेफिनेटली अब कुछ तो प्रेशर कम होगा ही।
ये देखिए मैम, एक से एक साड़ी लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए बनारसी साड़ी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और ये साउथ सिल्क है, ऐसी साड़ी मिलना मुश्किल है। बताइए मैम कौन सी साड़ी पसंद है। ऋषि ये साड़ी देखो, तुम्हें रंग भी बहुत पसंद है और ये डिजाइन भी। आई थिंक तुम्हें ये साड़ी लेनी चाहिए, 5 जचेगी तुम्हारा। सृष्टि मैं सोच रहा था कि सार्थक यहीं है तो सार्थक का कार्ड अभी दे देते हैं। नहीं अभी नहीं, वो पापा ने कहा है कि पहले भगवान जी के मंदिर में कार्ड्स रखेंगे, फिर शाम को मंदिर जाकर वहां देंगे। बाकी के कार्ड्स उसके बाद ही दे सकते हैं। ओके का कॉल। हेलो। हाँ बेटा, सृष्टि के लिए शगुन की साड़ी पसंद करनी है। टाइम बहुत कम है और कल से फंक्शन सारे शुरू हो रहे हैं, तो मैंने ना साड़ी वाले को तुम्हारे ऑफिस ही भेज दिया है। मैंने और नवेली ने कुछ 15-20 साड़ियाँ सेलेक्ट की हैं, तुम दोनों उसमें से पसंद कर लेना। ठीक है माँ। ओके बेटा बाय। सृष्टि माँ ने साड़ी वाले को ऑफिस ही भेजा है, तुम्हारे लिए एक शगुन की साड़ी सिलेक्ट करनी। ठीक है। ये देखिए मैम, एक से एक साड़ी लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए बनारसी साड़ी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और ये साउथ सिल्क है मैम, ओरिजिनल पीस है, ऐसी साड़ी मिलना मुश्किल है। बताइए मैम कौन सी साड़ी पसंद है। और साड़ी दिखा दीजिए। हाँ ऋषि ये साड़ी देखो, मैं रंग भी बहुत पसंद है और ये डिजाइन भी। आई थिंक तुम्हें ये साड़ी लेनी चाहिए, 5 जचेगी तुम्हारा। सृष्टि अगर तुम्हें वो साड़ी पसंद है तो तुम वो साड़ी ले सकती। भाई साहब की पसंद तो लाजवाब है, आप पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं पैक कर देता हूँ। भैया एक मिनट। हमें ये साड़ी पसंद है। तुम्हें तो ये रंग वक्त के साथ हमारी पसंद भी बदल गई है सार्थक। हमें ये बहुत पसंद है, हम यही लेंगे। इसका बिल बना दीजिए। पहले मैं पैक करा। आप जानते हैं अंगद, ये जो रंग है ना, ये शगुन के लिए बहुत शुभ होता है। तुम्हारी पसंद को हम बदल कर रहेंगे सृष्टि, ये वादा है हमारा। माँ भी इस मंदिर को बहुत मानती हैं, हर अच्छे काम की शुरुआत यहीं से करते हैं। सृष्टि माता रानी के चरणों में इस कार्ड को चढ़ाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। अगर तुम सार्थक के पास वापस जाना चाहती हो तो अब भी वक्त है। यू स्टिल हैव टाइम। हमें तो सृष्टि की बहुत ही चिंता हो रही है। अब देखिए ना
भगवान के सामने इस शादी का शुभ कार्ड अर्पण किया और वो जल गया। पापा कहीं कोई बिकने का संकेत तो नहीं है ना? मतलब ये है कि बिचारी सृष्टि की जिंदगी की गाड़ी अभी तो पटरी पर चल रही थी, कहीं भगवान ने वापिस ब्रेक लगाने की तो नहीं सोची ना? अरे ऐसा काहे कह रही हो कल्याणी, सब अच्छा अच्छा तो हो रहा है, फिर काहे का विघ्न? वो हम नहीं जानते मम्मी, पर अब से ना हम ऐसी उठपटांग बातें बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बस शुभ शुभ बोलेंगे तभी तो शुभ शुभ होगा, है ना पापा? क्या हो गया ये सब? क्या सच में ये किसी बाधा का संकेत है? अंगद ने अभी तक अपने घर वालों को सृष्टि के बारे में नहीं बताया है, कहीं इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए। ये अंगद शायद बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा है, हम खुद ही जाकर एक बार बात कर ले क्या? पर अब शादी की बात इतनी आगे बढ़ने के बाद क्या उन्हें सच बताना ठीक होगा? फ्रेश फ्लावर्स होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, हाँ, और ग्रीन थीम रखिएगा प्लीज। हाँ कल के लिए। हाय बेटा। माँ आपने जो भी काम बोले थे ना सब हो गए, अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है? सृष्टि के शगुन की साड़ी तो सिलेक्ट हो गई है, बस उसके पापा के कपड़े और रिटर्न गिफ्ट्स बाकी हैं। वो भी हो जाएगा। अच्छा मैम, उन दोनों के अलावा किसी और को शगुन देना है? सृष्टि का और कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं। बेचारी सृष्टि परिवार का मतलब समझ ही नहीं पाई, लेकिन माँ शादी के बाद उसे हमारा परिवार मिल रहा है। वैसे मॉम आई मस्ट से कि वो बहुत लकी है, एक छोटे से घर से आने के बावजूद वो अब जायसवाल फैमिली की बहू बनने जा रही है। माँ भी इस मंदिर को बहुत मानती हैं, हर अच्छे काम की शुरुआत यहीं से करते हैं। सृष्टि माता रानी के चरणों में काट को चढ़ाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। अगर तुम सार्थक के पास वापस जाना चाहती हो तो अब भी वक्त है। यू स्टिल हैव टाइम।